हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आप में हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला शिक्षा कर्मी भर्ती जो भी एग्ज़ाम होगा व्यापम में सीजी पुलिस वगैरह का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ बीएससी प्री के साथ साथ आपका जो है मेंस तक की आपका काम आएगा, ठीक है जी। और जो है 2024 में जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सिलेबस को, जो उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हुए जो है कंटेंट को तैयार किया गया है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है जी। इसके पहले लगभग बहुत सारे जो है सेशन मैं ले चुका हूँ, सभी क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है कि जो है टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है, टाइगर पॉइंट जो वाटरफॉल है जलप्रपात, यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिला में स्थित है? बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में या आपका जशपुर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरगुजा ज़िले में स्थित है, ठीक है, सरगुजा ज़िले में स्थित है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, ठीक है, आपका मैन पार्ट, ठीक है, तो आपका मैन पार्ट में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे और जलप्रपात है सरगुजा में, और कौन सा है तो आपका सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात है आपका मान नदी मैन पार्ट क्षेत्र में आपका स्थित है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात आपका जो है मैन पार्ट में स्थित है, ठीक है, ये आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हॉस्टन वार्डन 2016 के पेपर में, ठीक है, व्यापम के द्वारा हॉस्टन वार्डन में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है मैन पार्ट में स्थित है, ठीक है। अन्य देखेंगे तो इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है, सेदम प्रपात है, ये सभी जो है आपका सरगुजा ज़िले के अंतर्गत आती है, ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सरगुजा से मैन पार्ट से। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है कैसेटेराइड जो है एक ही धातु का अयस्क है जो मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, मैग्नीज, आयरन, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं। तो कैसेटेराइड जो धातु आपके ये जो किस धातु का अयस्क है तो आपके यूरेनियम का जो है अयस्क है, और मुख्यतः जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाते हैं यूरेनियम जो है खास करके राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव में भंडारी टोला, ठीक है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भंडारी टोला में यूरेनियम पाई जाती है। सूरजपुर जाएंगे, सूरजपुर में आपका जो है प्रतापपुर, सूरजपुर के अंतर्गत प्रतापपुर में जाएंगे तो यूरेनियम यहाँ पे पाई जाता है, और आपका जो है रायगढ़ में भी नवीनतम जो जिला है रायगढ़ जिला में भी जो यूरेनियम पाई जा रही है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजिम कुंभ मेला कब लगता है, ठीक है, तो राजिम का जो कुंभ मेला है ये आपके माघ पूर्णिमा, माघ अमावस्या, पौष पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, तो राजिम का जो कुंभ मेला है ये आपके माघ पूर्णिमा में इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन का जो है इस मेला का जो है आयोजन किया जाता है ये जो, ठीक है, इस मेला का, तो यहाँ पे, ठीक है जी, माघ पूर्णिमा यहाँ पे हर साल माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि तक यहाँ का मेला का आयोजन होता है, जिसमें कुंभ मेले की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ विधानसभा राज्य में कुंभ मेला हेतु 2006 में विधेयक पारित किया गया था, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे जो राजीवलोचन मंदिर ये आपके राजीवलोचन मंदिर राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपके महानदी, पैरी नदी और सुंदूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम शहर आपका बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजिम को जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम को कहा जाता है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। कुलेश्वर महादेव मंदिर आपके राजिम में है, राजीवलोचन मंदिर राजिम में है, ठीक है, ये सभी जो है आपसे गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है और सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की जो प्रमुख खनिज कौन सी है, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर या डोलोमाइट, ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख खनिज कौन सी है तो आपका कोयला हो जाएगा। कोयला का और किस नाम से जानते हैं तो इसको जो है काला हीरा, ठीक है जी, इसको जो है हम काला हीरा के नाम से जाना जाता है। ये आपको कौन से चट्टान से प्राप्त होती है तो याद रखिएगा गोंडवाना सहित समूह चट्टान से जो है प्राप्त होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की जो है कोयला का मतलब कौन से प्रकार की कोयला पाई जाती है तो बी फॉर बिटुमिनस, ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार की कोयला पाई जाती है, ठीक है। और खनिज राजस्व में इसका जो योगदान देखेंगे तो कोयला का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 58% जो है राजस्व में इसका योगदान है, ठीक है जी। और इसका खनन किसके द्वारा किया जाता है, ACCL, ठीक है, ACCL द्वारा जो है दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र इसका जो मुख्यालय बिलासपुर में है तो ACCL के द्वारा इसका जो है खनन किया जा रहा है,
ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, ठीक है, मुख्यालय बिलासपुर में है। अगर देखेंगे कोयला क्षेत्र, तो ये आपका जो है कोरिया में आपका जो है सेंदूरगढ़, कुरसिया के पहाड़ी, यहाँ से चिरमिरी वगैरह, सोनहट जो है झगरा खंड झिलमिली से यहाँ से कोयला प्राप्ति होती है। सूरजपुर में जाएंगे, सूरज में आपके रामकोला विश्रामपुर सबसे अच्छे किस्म का कोयला यहाँ पर पाई जाती है। बलरामपुर में जाएंगे तो आपका जो है ताता पानी, ठीक है जी। सरगुजा में जाएंगे तो लखनपुर, ठीक है, सोढ़िया, यहाँ से जो है कोयला प्राप्ति होती है। कोरबा जाएंगे तो कोरबा सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसमें आपका दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ से जो है अच्छे प्रकार के जो है कोयले प्राप्ति होती है, ठीक है। रायगढ़ में धरमजयगढ़, घर घोड़ा, यहाँ से जो है कोयला के जो है प्राप्ति होती है, ठीक है जी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान कहाँ है, तो मुकुंद घाट ही आपका जो है कोरबा में है, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगिरित मशीनीकृत कोयला खदान भी आपके कोरबा में स्थित है, ठीक है। हजू रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक है, ठीक है। हजू घाटी कोयला खानों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में जो अर्ध कोकुइन जो कोयला क्षेत्र सोनहट कोरिया में है। अदमान घाटी कोयला क्षेत्र रायगढ़ जिले में सबसे बड़ा कोयला खनन है, ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में कोयला से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो कर है, जो टैक्स है, कर मतलब टैक्स, ये राज्य के प्रमुख कर है, वाणिज्यिक कर, केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर या होटल कर, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा वाणिज्यिक कर, ठीक है जी। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख कर है वाणिज्यिक कर, जो टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य का निम्नलिखित कौन सा जो लोकगीत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ददरिया, पंडवानी, भरथरी या जगार, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी जो है, ये जो है लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध है पंडवानी, ठीक है जी। पंडवानी की बात करूँ, ये जो है महाभारत पे एम4 जो है महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप को जो है पंडवानी कहा जाता है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, तो सब्बल सिंह चौहान जो रतनपुर के इसके रचयिता हैं। इसके गीत रूप झाड़ूराम देवांगन जो है पंडवानी के पितामह हैं, इनके द्वारा जो है इस गीत को जो है गाई जाती है, ठीक है। और कोई इसी अवसर पर ज़रूरत नहीं, किसी भी समय इसको जो है आपका जो है मतलब कार्यक्रम अनुष्ठान वगैरह में इसको जो है अवसर पे इसको जो है किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मुख्य नायक जो है इसमें भीम होते हैं, ठीक है। इसमें नायिका के रूप में जो है द्रौपदी हैं, ठीक है जी। और इसमें जो मुख्य सहयोगी के रूप में जो गायक होते हैं, रागी होते हैं, हंकार भरने वाले, ठीक है जी। और इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र जो प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका T4 तंबूरा और आपका K4 करताल, ये जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आपको जो है वेदमती शैली और कपालिक शैली में जो पंडवानी के दौरान प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें वेदमती शैली क्या होता है, तो वेदमती शैली इसको बोलते हैं जिसमें गाने का काम होता है। इसमें प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूना राम निषाद, ऋतु वर्मे इसके जो प्रमुख कलाकार है। कपालिक शैली क्या होता है, कपालिक शैली क्या होता है, इसमें गाने का काम और जो है नाच गाने मतलब गाने के साथ नृत्य, ठीक है, ये दोनों होता है, इसको जो है कपालिक शैली बोलते हैं। इसके तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई आदि ये सभी जो है कपालिक शैली के कलाकार हैं, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य में छत्तीसगढ़ में जो है स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है, पक्षी अभ्यारण्य से, बौद्ध केंद्र से, राष्ट्रीय उद्यान से या जैन केंद्र। तो स्वास्तिक विहार सुने होंगे, ठीक है, स्वास्तिक बौद्ध विहार सुने हैं, तो स्वास्तिक विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध केंद्र से संबंधित है। तो स्वास्तिक विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। अवदान शतक के अनुसार यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध यहाँ पे जो है आए हुए थे, और यात्रियों के जो राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर की यात्रा की थी, ठीक है, 635 से 640 ईस्वी और लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर आए थे, ठीक है जी। और यहाँ हर साल जो है बुद्ध पूर्णिमा सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है, माघ पूर्णिमा में मेला का भी आयोजन यहाँ पे लगता है, ठीक है जी। तो ये जो है आनंद जो कटु विहार है, ये जो है महासमुंद के सिरपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पे जो है स्थित है, ठीक है जी, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, प्रथम मराठा सूबेदार कौन था। जहाँ पे प्रथम शब्द आता है, ठीक है जी, या पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ कि जो है इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, तो महिपतराव दिनकर, भवानी कालू, रघुजी या पा बिकाजी गोपाल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपतराव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हैं, ठीक है, मराठा सूबेदार थे, ठीक है। और ये लगभग ये 1790, ठीक है, 1790 में जो यूरोपियन जो यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में इन्हीं के कार्यकाल में आगमन हुआ और आनंदीबाई से सत्ता के लिए इन्हीं के कार्यकाल में संघर्ष हुआ, ठीक है। इनके शासन में सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथों में यहाँ पे चल रही थी, इन्हीं के शासन कर के विधान, ठीक है जी। इसमें याद रखिए, इसमें जो है प्रमुख का जो आपका जो है
सुबेदार्थ महिपतराव दिनकर, विठ्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकाजी पिंडरी, बिकाजी गोपाल, सखाराम हरिराम, सीताराम टांटिया, यादव राव दिवाकर, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर मराठा सूबेदार हैं। ठीक है, इसमें जो है 8 सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर जो है सूबेदार हैं, जिसके प्रथम महिपतराव दिनकर और अंतिम यादव राव दिवाकर छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824 से लेकर 1825 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह या कोई विद्रोह? ये सभी विद्रोह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परलकोट विद्रोह हुआ था बस्तर क्षेत्र में, सन याद रखना है 1824-25 में मराठों के विरुद्ध ये जो है आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, डेट यहाँ पे बता दिए गए। इसके शासक कौन थे? तो महिपाल देव। ठीक है, महिपाल देव इसके शासक हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंद सिंह। ठीक है, गेंद सिंह जो परलकोट के जमींदार यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने भूमिया पदवी धारण की थी। ठीक है, ये खासकर अबुझमाड़ियों को जो है शोषण किया जा रहा था, इसलिए ये जो शोषण मुक्त करने के लिए जो है परलकोट विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये जो है शोषण ना हो इसी उद्देश्य यहाँ पे जो मतलब जो है ये आदिवासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, मराठों के विरुद्ध, और इसका प्रतीक झावड़ा धावड़ा वृक्ष की टहनी इसका प्रतीक है। दमनकर्ता कौन है? तो पेबे एगोनी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। परिणाम गेंजी को फिर जो है इनको फांसी दे दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। ठीक है जी, और एगेनियो ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंसी को जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यहाँ पे तारापुर विद्रोह दिया गया। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 में जो विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, इसके भोपाल देव शासक हैं। दलगंजन सिंह इसके नेतृत्व करते हैं, जो तारापुर परगना के प्रमुख थे। यहाँ पे और दिया है कि मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह कब हुआ था? ये सभी विद्रोह का आपको याद रखना है। ठीक है जी, मेरिया विद्रोह कौन से सन? तो मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 में, 1842 से 1863 में जो है मेरिया विद्रोह हुआ था। इसके शासक आपके भोपाल देव इसके शासक है। ठीक है, हेड़मा मान जी इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, तो खास करके नरमली प्रथा समाप्त करने के विरोध में ये आपका मेरिया विद्रोह किया गया था। लास्ट में देखते हैं कोई विद्रोह, कोई विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, भैरम देव इसके शासक हैं। नागुल दोरला इसके नेतृत्व करता है, जो पोतेकला के जमींदार थे। ठीक है जी, तो साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए जो कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, नारा इसमें एक वृक्ष के पीछे एक सिर चिपको आंदोलन के समान विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके नाम पर इस राज्य में छत्तीसगढ़ में अहिंसा और गौ रक्षा सम्मान स्थापित किया गया? गुरु घासीदास, यति यतीनलाल, महाराजा अग्रसेन या प्रवीर चंद्र भंसदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यति यतनलाल जैन। ठीक है, इनका जन्म जो है राजस्थान बीकानेर में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के अहिंसा के अग्रदूत इनको कहा जाता है। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की इन्होंने स्थापना किया, और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रत्येक साल हर वर्ष इनकी याद में स्मृति में अहिंसा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जो है वर्धा प्रस्ताव में भाग लिए भी थे। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, कि इस राज्य में बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के नेता कौन था? भैरम देव सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर या रामनाथ सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपके 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था जी, ये जो प्रदेश प्रसिद्ध जो है आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसको जो है कौन से विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो ये आपका भूमकाल विद्रोह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह ये आपका जो है 1910 में हुआ था प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह। इसका जो है आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? गुंडाधुर। ठीक है, इसके नेतृत्व करते हैं नेता नाम के जमींदार थे गुंडाधुर। ये आपके फरवरी 1910 में हुआ था। इसके शासक कौन है? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। ठीक है, दीवान बैजनाथ पांडा थे। स्थानीय जनता के जो है उपेक्षा शोषण किया जा रहा था, और वनों को उपयोग में शराब बनाने पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये विद्रोह किया गया था। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की किस कलचूरी शासक ने, ठीक है, किस कलचूरी शासक ने सकल कोसलाधिपति, ठीक है जी, सकल कोसलाधिपति जो है यहाँ पे जो संज्ञा धारण की थी या उपाधि धारण की थी? रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नराज द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। इनका जो कार्यकाल 1065 से लेकर 95 तक इनका जो कार्यकाल रहा है। इनको प्रचंड कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये आपका अमोदा ताम्रपत्र है,
इसी ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीदेव प्रथम की। और कहा जाता है इस ताम्रपत्र के अनुसार लगभग 21,000 गाँव के जो है ये स्वामी थे, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारे जो है ताम्रपत्र में महामंडलेश्वर, महा पंच महाशब्द इनको कहा गया है। रतनपुर के विशाल तालाब का जो है निर्माण कराया, तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवसर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो काम इन्होंने करवाए हैं, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। सभी जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।